अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन होगी, जो कि है यूएई लेबर लॉ। कि यूएई का लेबर लॉ आपको किस तरह प्रोटेक्ट करता है, आपको और आपकी कंपनी को किस तरह बेनिफिट इससे हो सकता है। तो हमारे पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं नासिर गोंदल साहब, वो इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह आप इस लेबर लॉ से बेनिफिट हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको यूएई की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस लॉ के थ्रू। तो नासिर साहब को बुलाते हैं। जी नासिर साहब, आप आइए और थोड़ी सी डिस्कशन कीजिएगा। जी फ्रेंड, तो आज हम बात करेंगे लेबर लॉ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये है कि लेबर लॉ क्या है। लेबर लॉ एक्चुअली जो आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉय की और एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और क्या उसकी राइट्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेबर लॉ जो है वो कौन से एरिया कवर करता है। तो लेबर लॉ जो है वो एक्चुअली लेबर के रेलेवेंट जितने भी एरियाज हैं वो कवर करता है, खा उसकी वो सैलरी हो, खा उसकी लीव सैलरी हो, खा उसका ओवर टाइम हो, खा उसकी जो है ग्रेचुटी हो, नोटिस पीरियड हो, लीव की जितनी भी टाइप हैं, वो सारे एरिया जो है वो लेबर लॉ कवर करता है। तो इसमें ताकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन डेवलप ना हो, इसी वजह से लेबर लॉ के और लेबर लॉ एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड कर देता है ताकि एम्प्लॉयर जो है वो उसको फुलफिल करे और एम्प्लॉय को भी पता होना चाहिए कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो कि एम्प्लॉयर के वो काम को अफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेबर लॉ डिफाइन करता है। अब हम बात करेंगे कि लेबर लॉ के अंदर किस तरह जो है लीव सैलरी की कैलकुलेशन है, किस तरह ग्रेचुटी की कैलकुलेशन है और किस क्या नोटिस पीरियड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लेबर लॉ के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि अभी जो 2022 में फरवरी से ऑनवर्ड लेबर लॉ चेंज हुआ है, तो इसके अंदर जो है वो जो लीव सैलरी की कैलकुलेशन है वो चेंज होगी। इससे पहले जो लीव सैलरी पे होती थी वो बेसिक सैलरी पे होती थी, यानी कि आप अगर एक साल के अंदर 30 दिन के लिए एलिजिबल हैं तो आपको एक बेसिक मिलती जब आप छुट्टी पे जाते थे, लेकिन अभी ये न्यू लॉ के मुताबिक आपको बेसिक पे नहीं मिलती, आपको ग्रास सैलरी पे जो आपको लीव सैलरी मिलती है। यानी कि अगर आप 30 दिन के लिए छुट्टी जाते हैं तो आपको एक टोटल सैलरी जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये तो जो लीव सैलरी है उसकी चेंजेस है। उसके बाद ग्रेचुटी की चेंजेस भी आ गई हैं, क्योंकि पहले जो कॉन्ट्रैक्ट दो किस्म के होते थे, एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एक अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे। तो अब जो एक ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो सिर्फ लिमिटेड है, और वो उसमें ये है कि पहले 5 साल तक अगर किसी बंदे ने सर्विस की है तो उसको 21 डे पर ईयर के हिसाब से मिलेगा और 5 साल के बाद उसको 30 डे पर ईयर के हिसाब से बेसिक सैलरी के रेट पर मिलेगा। यानी कि उसको बेसिक सैलरी, अगर पहले उसने 5 साल तक काम किया तो उसको बेसिक सैलरी के हिसाब से 21 डे के हिसाब से मिलेगा, और अगर 5 साल के बाद किया तो 30 डे के हिसाब से मिलेगा। और दूसरी यह है कि अगर लीव ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी कब स्टार्ट होती है, ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है कि आपने एटलीस्ट 1 ईयर जो है किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम किया तो आपकी जो ग्रेचुटी की एलिजिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। 1 ईयर या इससे ज़्यादा होगा तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हैं, अगर 1 साल से कम सर्विस है आपकी तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल नहीं है। इसी तरह लीव से जो है लीव सैलरी भी, आप अगर 6 मंथ आपने सर्विस की है तो आपकी जो लीव है वो आप एलिजिबल होते हैं, इससे कम आप लीव सैलरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर 1 साल से कम और 6 महीने से ज़्यादा है आपकी सर्विस तो आप 2 डे पर मंथ के हिसाब से लीव के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपकी 1 साल कंप्लीट हो जाती है और 1 साल से ऊपर है और यहाँ आप नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो फिर आप 2.5 डे पर मंथ जो है ना आपके लीव के लिए एलिजिबल हैं। अब तो इससे आगे जो पॉइंट है वो ये है कि क्या नोटिस पीरियड डिपेंड कर रहा है आपके जो कॉन्ट्रैक्ट पे। तो अगर तो आपका कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है कि 1 मंथ आपने नोटिस देना है तो आपने 1 मंथ नोटिस आपको एम्प्लॉयर भी दे सकता है, एम्प्लॉय भी दे सकता है। आप 1 मंथ के नोटिस पे अपनी कंपनी जो है उसको इनके रिज़ाइन कर सकते हैं या एम्प्लॉयर जो आपको टर्मिनेट कर सकता है। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मेंशन है 3 मंथ का नोटिस पीरियड तो फिर आपको 3 मंथ का ही नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, एम्प्लॉय को भी 3 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा और एम्प्लॉयर भी जो है वो भी 3 महीने का जो नोटिस देगा तो फिर ही वो आप किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर सकते हैं। एक और चेंजेस आ गई है जो नए लॉ के मुताबिक,
अभी इनका जो ग्रेस पीरियड है वो भी बढ़ा दिया गया। पहले ये था कि जो जो भी एम्प्लॉयर जो है जिसका वीज़ा कैंसिल हो जाता था या वो, तो उसके पास 28 डे होते थे। अब इसकी कैटेगरी चेंज कर दी गई है, जो लेबर है उनके 2 मंथ कर दिए गए हैं और जो प्रोफेशनल हैं उनके 3 मंथ का जो है वो ग्रेस पीरियड। तो यानी कि अगर कोई बंदा कोई भी एम्प्लॉई जो है कैंसिल होता है तो उसके पास 2 मंथ या 3 मंथ जो है वो टाइम पीरियड होता है कि वो आगे जॉब सर्च करे, अगर वो मुल्क से एग्जिट नहीं करना चाहता तो वो आगे जॉब सर्च करे। तो ये सारी चीज़ें जो है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब पसंद आ गई हो। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको लेबर लॉ के बारे में ए टू जी सारी इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी अब तक, किस तरह आप सैलरी अपनी फुल हासिल कर सकते हैं, किस तरह आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, किस तरह आपको अदर अलाउंसेस के साथ सैलरी मिलेगी, क्योंकि नासिर साहब ने आपको ए टू जी सब कुछ गाइड किया है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो इसको कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।